सप्तन, आज से आमरण अनशन शुरू है। जल अन्न सब त्याग दिया, हम ना खाएंगे ना पिएंगे, हम इसी जगह पर होंगे। और एक भी व्यक्ति को कुछ हो जाता है जिम्मेदारी राज्य सरकार की, या तो मांग पूरी होगी या तो कफन पर ओढ़ कर हमें गाँव ले जाया जाएगा। जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम रांची के राजभवन के समीप पहुंची है, जहां पर झारखंड 32 खतियान को लेकर अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लोग कैसे सो रहे हैं, कैसे खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, इतने मच्छर हैं यहाँ पे। तो आइए जानते हैं कि तीर्थनाथ जी का क्या कहना है। आज आपके धरना को 6 दिन हो चुका है, अभी तक इतना शांति क्यों? क्या करे, मार दे किसी को। हम लोग तो पहले ही कहते कि हम गांधी के रास्ते पर चलेंगे, हम जयपाल से मुंडा के रास्ते पर चलेंगे, विनोद बाबू के रास्ते पर चलेंगे, किसी को मार नहीं सकते हैं। और संवैधानिक जो तरीका है आंदोलन का, वो संवैधानिक तरीका हम अपनाएंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि रांची की जो स्थिति है वो बेहतर ना हो, रांची में लोग आ जाएं, रांची अस्त व्यस्त हो जाए, तो इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हैं। ऐसा लगेगा जब कि अब बहुत अति हो गया है, ऐसा लगेगा कि अब मुख्यमंत्री एकदम नाक कान सब मूंद लिए हैं, जब लगेगा ऐसा कि नहीं अब अंतिम क्षण है लड़ाई का, जब आर पार की लड़ाई तय हो जाएगी तो फिर मारना ही पड़ेगा, तो मारेंगे। पर आपने कहा था कि अभी तक शुरू करेंगे आप उग्र आंदोलन, तो क्यों करेंगे? एकदम अभी भी कह रहे हैं कि हम करेंगे, मैंने तो कहा है ना कि हम अंतिम समय तक खुद के संयम को बांध कर रखेंगे, एकदम अंतिम समय तक अपने संयम को बांध के रखेंगे। लेकिन मेरा बांध, जब मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, मेरे संयम का बांध टूट जाएगा, तो उसके बाद फिर शायद सरकार रोक नहीं पाएगी। कल आप रो रहे थे, रोने के पीछे की वजह क्या है? एक राज्य का मुख्यमंत्री 150 किलोमीटर चलकर लोग आते हैं, और राज्य का मुख्यमंत्री जो अभिभावक होता है उनसे मुलाकात तक नहीं करता है। इस बात का दुख है, अफसोस है कि हम लोगों ने किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। इतने असंवेदनशील मुख्यमंत्री को अगर इस राज्य की बागडोर दे दी गई है तो शायद इस राज्य की दशा और दिशा बहुत गलत जा रही है। मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए, जनता के प्रति, जनभावनाओं के प्रति समझ होनी चाहिए। लेकिन अगर इनको समझ नहीं है तो इस बात का दुख तो होगा ही ना। हम रो इसलिए नहीं रहते कि हम कमज़ोर हैं या हमारे आंखों में आंसू इस बात का नहीं था कि हम कमज़ोर, लेकिन बिरसा के सपनों को, खुद दिसम गुरु सुबी सोरेन के सपनों को बर्बाद कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अपने पिताजी के सपनों को बर्बाद कर रहे हैं हेमंत सोरेन, इस बात का थोड़ा सा तकलीफ है, पर वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम लड़ेंगे अंतिम समय तक। आपने कहा था कि आप अपने गांव के लोगों को आने के लिए आह्वान करेंगे, तो उस पर क्या है? आज से हमारा आमरण अनशन शुरू हुआ है, आज से हम अंतिम समय तक लड़ने की जो बात कर रहे हैं वो समय आया है। आज से हम 23 लोग, लगभग 23 लोग जो हैं वो भूख हड़ताल में जा रहे हैं, ना अन्न ना जल, सब कुछ त्याग रहे हैं हम लोग। तो अब गांव के लोग आएंगे, अब आप देख लीजिएगा मुख्यमंत्री का इस राज्य के अंदर क्या हाल होगा। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि रांची की व्यवस्था खराब हो, रांची का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लेकिन अगर यही अंतिम वक्त है, विकल्प है, तो उसको किया जाएगा। आएंगे लोग अब गाँव के, हम लोगों ने बुलाया है, अब धीरे धीरे, क्योंकि सबको, गाँव तो बड़ा है ना, शहर नहीं है कि एक फ्लैट बंद किए और निकल गए। गांव में कई चीज़ें हैं, खेत है, खलियान है, गरू है, चगरी है, हमारी अपनी चीज़ें हैं, सबको संजोकर उसके बाद, सबको सबकी जगह तय करने के बाद लोग आएंगे, तो आएंगे, एकदम आएंगे और बड़े पैमाने में आएंगे। अब लोगों का आना शुरू होगा, हम लोगों ने आह्वान कर दिया, आइए रांची जिसको आना। देखिए, जब हम निकले हैं कि राज्य को नई दिशा देनी है, इन युवाओं के सपनों को उड़ान देनी है, राज्य को मंजिल देनी है, तो शायद हाँ परिवार के लोग फ़ोन तो कर ही रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग इस बात को जानते हैं कि हम जिस लड़ाई के लिए निकले हैं, वो लड़ाई क्या, जो राह है उस लड़ाई की, वो थोड़ी कठिन है पर जीत है। संघर्ष तो हमेशा कष्टदायक ही होता है, और संघर्ष का लेकिन परिणाम तो बड़ा मज़ेदार होता है। ठीक है, संघर्ष का दौर, गाँव के लोग खुश हैं कि भाई चलो मेरे गाँव से एक, हर गाँव जितने लोग यहाँ हैं सबके गांव के लोग बहुत खुश हैं कि चलो युद्ध करने के लिए मेरे गांव से सैनिक भेजा है हम लोगों ने, गांव के लोगों ने भेजा है हमें। हाँ एकदम, गांव के लोगों ने ही भेजा है हमें आशीर्वाद देकर, गांव के लोगों ने हमें आशीर्वाद देकर भेजा है। गांव के लोग तो खुशी हैं कि चलो युद्ध करने के लिए भेजे हैं। रण क्षेत्र में जब कोई बच्चा जाता है
उसके अभिभावक दुखी नहीं होते हैं, उसके बाद राज तिलक करके भेजते हैं। कैसे जाना है यहाँ से, लेकर जाना है अपनी मांगों को पूरा करवा के ही जाना, या तो मांग पूरी होगी या तो कफन पर ओढ़ कर हमें गांव ले जाया जाएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। हमने पहले भी कहा है या तो मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी या हम जेल में डाले जाएंगे या हमें गोली मार दिया जाएगा। नहीं जाना। आज से आमरण अनशन शुरू है, जल अन्न सब त्याग दिया हम 23 लोगों ने, और आज के बाद इसके बाद जो 23 लोगों की जिम्मेदारी होगी वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होगी। ये जो लोग हैं जिन लोगों का नाम आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ये लोग अन्न जल सब त्याग रहे हैं। हम सत्याग्रह के उस रास्ते पर हैं जहाँ से हमें जीत मिलेगी। हम ना खाएंगे ना पिएंगे, हम इसी जगह पर होंगे, और एक भी व्यक्ति को कुछ हो जाता है जिम्मेदारी राज्य सरकार की। जब आमरण अनशन है तो उसमें दिन थोड़े गिनेंगे, या तो जीतेंगे या तो मरेंगे, दिन थोड़े गिनेंगे उसमें। मुख्यमंत्री जी से आपका सीधा संदेश क्या है? देखिए कि राज्य के मुख्यमंत्री को बहुत संवेदनशील होना चाहिए, मुद्दों में समझ होनी चाहिए, राज्य के जनभावनाओं को समझना चाहिए, जनता के आंसुओं को, जनता के कष्ट को समझना चाहिए। लेकिन शायद मुख्यमंत्री महोदय को ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। हम मुख्यमंत्री से निवेदन नहीं कर रहे हैं, चेतावनी देते हुए कहना चाहते हैं कि आप जिस BMW कार में घूमते हैं वो हमारे पैसे से मिला है आपको, आप जिस 400 करोड़ के भवन में जाकर सत्र चलाते हैं, वो विधानसभा सत्र जिस भवन में चलता है वो हमारे पैसों से बना है, और आपके इर्द गिर्द जो पूरी सुरक्षा है वो सब कुछ हमारे पैसों से चलती है। शायद इस बात का आपको इल्म होना चाहिए। और मुख्यमंत्री की कृषि किसी के बाप की नहीं है, आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगी। तो इस बात को आप तय कीजिए कि मुख्यमंत्री जब आप नहीं रहेंगे तब आप कहाँ रहेंगे। सर रघुवर दास जी का अहंकार ऐसे ही था, वो जब मुख्यमंत्री कुर्सी से हट गए या जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो आज वो कहाँ हैं लोग पूछते नहीं हैं, कहाँ हैं कोई पता नहीं। तो आप मुख्यमंत्री के पद में आजीवन रहना चाहते हैं या मुख्यमंत्री बन जाने के बाद एक प्लास्टिक की कुर्सी में बैठकर रहना चाहते हैं, आप जनता के बीच रहना चाहते हैं या एक बंद कमरे में रहना चाहते हैं, ये आपको तय करना है मुख्यमंत्री महोदय। तो आपने सुना कि इनका गांव घर सब सुना है, और इनका सीधा कहना है कि ये अपनी मांग को पूरा करा के जाएंगे या तो इनका कफन जाएगा। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।